तुषार गोयल, हिमांशु और भरत जैन के साथ औरंगजेब की गिरफ्तारी ने ड्रग्स केस में नया ट्विस्ट ला दिया। दिल्ली में ड्रग्स सिंडिकेट का मेन किंगपिन तुषार गोयल निकला, लेकिन इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का वो एक मोहरा भर है। तुषार गोयल का हैंडलर दुबई में कहीं बैठा है। उसने दिल्ली के व्यापारी तुषार गोयल के लोकल और पॉलिटिकल नेटवर्क का इस्तेमाल कर ड्रग्स का कंसाइनमेंट दिल्ली भेजा। इंडिया टीवी रिपोर्टर अभय पराशर उस गोदाम तक पहुंचे जहां से दिल्ली में ट्रक की सबसे बड़ी खेप बरामद हुई। स्पेशल सेल को पिछले तकरीबन 3 महीने से ऐसी जानकारी मिल रही थी कि एक मिडिल ईस्ट में बैठा हुआ सिंडिकेट है जो भारत के अंदर कोकीन को सप्लाई कर रहा है, लेकिन इसकी इतनी बड़ी खेप होगी इसका अंदाजा स्पेशल सेल को भी नहीं था। असल में स्पेशल सेल को इनपुट्स मिले कि तुषार गोयल नाम का एक शख्स है जो कि महिपालपुर के अंदर रहता है आसपास, और उसका एक गोदाम है, और महिपालपुर के अंदर ये जो आप गोदाम देख रहे हैं, इस गोदाम के अंदर सेकंड फ्लोर पर ये जानकारी मिली 1 अक्टूबर को स्पेशल सेल को कि यहां पर बड़ी मात्रा में कोकीन यहां पर लाई गई है जिसको दिल्ली मुंबई अलग अलग इलाकों में सप्लाई किया जाना है। जिसके बाद स्पेशल सेल की टीम ने यहां पर छापेमारी शुरू की, और छापेमारी करने के बाद यहां पर स्पेशल सेल ने देखा कि अलग अलग पेटियों के अंदर पैक करके तकरीबन 5600 करोड़ रुपए की कोकीन और इसके अलावा थाईलैंड से आने वाला गांजा जो है वो यहां पर रखा हुआ था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम महिपालपुर ड्रग्स सिंडिकेट के राज खंगाल ही रही थी कि उसे दिल्ली के ही रमेश नगर में भी एक गोदाम का पता चला। वहां छापा मारा गया तो 208 किलो कोकीन नमकीन के पैकेट से रिकवर हुआ। रमेश नगर ड्रग बरामदगी केस में ब्रिटेन में रहने वाले एक एनआरआई का नाम आया। जैसे ही जानकारी मिली अखलाक की निशानदेही पर और स्पेशल सेल की टीम वेस्ट दिल्ली के रमेश नगर के उस गोदाम में पहुंची, तो वहां पर जो यूके का शख्स पहुंचा हुआ था जिसने कोकीन जो तकरीबन 204 किलो थी, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत तकरीबन 2000 करोड़ रुपए थी, उनको नमकीन के पैकेट के अंदर छिपाकर पेटियों में पैक कर रखा था। स्पेशल सेल की टीम रमेश नगर के उस गोदाम में पहुंची, लेकिन उससे पहले विदेशी नागरिक जो कि यूके का रहने वाला था वो फरार हो चुका था। इस पूरे मामले के अंदर स्पेशल सेल को यह जानकारी मिली कि वीरेंद्र बसोया नाम का एक शख्स जो कि दिल्ली का रहने वाला है और फिलहाल वो यूके के अंदर बैठा हुआ है, और उसी ने यूके में बैठकर ये पूरा सिंडिकेट चलाया जिसमें 2 लोगों को उसने भारत में भेजा था, जिसमें से 5600 करोड़ रुपए की हीरोइन जो है वो महिपालपुर इलाके से बरामद की गई, और तकरीबन 2000 करोड़ रुपए की हीरोइन दिल्ली के रमेश नगर से बरामद की गई है। दुबई और लंदन में बैठकर ड्रग सप्लायर दिल्ली को कोकीन का ट्रांजिट पॉइंट और मेन हब बनाना चाहते हैं, लेकिन अकेले दिल्ली ही टारगेट पर नहीं है। दिल्ली के रमेश नगर में बरामद ड्रग्स की जांच की गई तो गुजरात की फार्मा सॉल्यूशन सर्विसेज नाम की एक कंपनी का नाम आया। पता चला कि दिल्ली में गुजरात के अंकलेश्वर की अवकार ड्रग्स लिमिटेड कंपनी से माल लाया गया था, जिसके बाद अंकलेश्वर में एक्शन हुआ। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और गुजरात पुलिस ने अंकलेश्वर में ज्वाइंट ऑपरेशन किया तो 518 किलो कोकीन बरामद हुआ। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा की गई। गुजरात देश में ड्रग्स के बड़े ट्रांजिट पॉइंट के रूप में सामने आया है। हाल ही के वर्षों में देश भर में जितना नारकोटिक ड्रग्स पकड़ा गया है उसका करीब 30% गुजरात में से ही बरामद हुआ है, और इसका श्रेय कहीं ना कहीं गुजरात पुलिस को भी जाता है जिसने नारकोटिक ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू की है। पिछले करीब 3.5 सालों में गुजरात में 9680 करोड़ रुपए के नारकोटिक्स जब्त किए गए हैं, और इसमें आपको बता दें कि अंकलेश्वर में पकड़े गए ड्रग्स शामिल नहीं है।